नमस्कार, टीवी इंडिया के खास कार्यक्रम सवाल है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2021 का बजट पेश कर दिया है। यह बजट इसलिए भी खास है क्योंकि 8 महीनों की लंबी कोरोना महामारी के बीच तमाम कंपनियां बंद हो चुकी हैं, आर्थिक कारोबार पूरी तरह से ध्वस्त है और अर्थव्यवस्था भी चौपट हो गई है, नौकरियां छिन गई हैं, लोग संकट में। ऐसे दौर में आमजनों की, उद्योग कारोबारियों की बहुत उम्मीदें हैं इस बजट से। अब ऐसे में सरकार का कहना है और बीजेपी का भी कहना है कि ये उम्मीदों भरा बजट है, लेकिन एक्सपर्ट इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? क्या वाकई मोदी सरकार का ये बजट उम्मीदों पर खरा उतरा है? इसी मुद्दे पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ उद्योग और कारोबार जगत के कई मेहमान और हस्तियां मौजूद हैं। मैं इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपका परिचय कराना चाहूँगा। मेरे सबसे बगल में हैं श्री आर के जैन साहब, आप इंडियन मर्चेंट चैम्बर्स के मुंबई के चेयरमैन हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसी पर लंबे समय से नज़र रखते हैं। हमारे उनके बिल्कुल बगल में हैं श्री जयंत खाडिलकर साहब, आप जय इलेक्ट्रोमर्स के डायरेक्टर हैं और कारोबार से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। उनके ठीक बगल में हैं मिस्टर योगेश मेहता जी, आप स्पाइस एक्जिम्स के डायरेक्टर हैं और लंबे समय से कारोबार आप कर रहे हैं। और आप आखिर में जो हमारी मेहमान हैं सुश्री दिव्या मोमाया जी, आप कंपनी डायरेक्टर हैं और मेंटर्स वाई बोर्ड की भी संचालिका हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सर, इस चर्चा की शुरुआत मैं जैन साहब आपसे ही करता हूं कि बीजेपी और सरकार का कहना है कि ये बजट बहुत ही उम्मीदों भरा है, आप इस बजट को किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई उद्योग कारोबार और आमजनों की उम्मीदों पर ये बजट खरा उतरा है? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम आर के जैन है और मैं IMC चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नवी मुंबई शाखा का एज चेयरमैन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जहाँ तक इस बजट का सवाल है, इस बजट में काफ़ी विशेषताएं इस बार देखी गई हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं कहना चाहूँगा, ये इंडिया का पहला डिजिटल बजट है। आपको मालूम होगा कि जब बजट प्रेजेंट होता था तो ट्रक लोड भरकर बजट डॉक्यूमेंट्स आया करते थे, इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये फर्स्ट टाइम इंडिया में एक डिजिटाइज बजट प्रेजेंट हुआ है। दूसरा, इस बजट में पहली बार अपीजमेंट पॉलिसी को छोड़कर एक ग्रोथ पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया है और जितने भी प्रपोजल बजट में आए हैं वो शायद आने वाले कुछ सालों में हमारे देश भारत को एक ग्लोबल मैप पे एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में और एक इकोनॉमिक मार्केट के रूप में स्थापित करने में 100% सहयोग करेंगे। सर खड़गे साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का बजट आपको दिख रहा है ये? नॉर्मली इंडस्ट्री कोई भी बजट की तरफ देखती है, कुछ ना कुछ ड्यूटी कंसेशन या इस तरह से कंपनियां स्वागत करती है। तो मैं ये देखूंगा कि ये टाइम का बजट स्वाभाविक है कि ये हेल्थ केयर ओरिएंटेड बजट था। और इसकी वजह से ज़्यादा खर्चा और जो भी तरतूद की है पैसे की वो हेल्थ केयर में की है, वो बहुत वाजिबी है। जैसा कि बाकी के इंडस्ट्री में अपने संरक्षण उत्पादन क्षमता बढ़ानी चाहिए और डिजिटल, जैसा जैन साहब ने अभी बताया कि वो भी कारोबार आगे बढ़ना चाहिए, उसी हिसाब से उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स किए हुए, वो भी बहुत स्वागतार्ह है। और इंडस्ट्री के हिसाब से मैं आगे देखता हूँ कि थोड़ी सरल भाषा में ये गवर्नमेंट लोगों के साथ बातचीत करने में फेसलेस, जिसको अभी ट्रांजैक्शन बोलते हैं ना, वो होने वाला है। जहाँ पार्टी दिख नहीं पाएगी तो जो भी कारोबार होगा वो फेसलेस होगा और उससे ट्रांसपेरेंसी व्यवहार में बढ़ेगी। ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, आपका कहना है कि जो फेसलेस अभी व्यवहार पहले जो नहीं था, अब ये नया एक तरीका दिख रहा है कि फेसलेस व्यवहार होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। मेहता साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, आप इतने समय से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से जुड़े हुए हैं, क्या आपको लगता है? मैं एक बात यह कहना चाहता हूँ कि सालों के बाद ये बोल्ड बजट आया हुआ है, जितना हम समझ रहे हैं उससे भी ज़्यादा इनका परिणाम मिलने वाला है। जब बजट के दिन सेंसेक्स 2300 पॉइंट बढ़ गया, वो 22 साल का रिकॉर्ड है। अच्छा, 22 साल का रिकॉर्ड है और ये कंटिन्यू रहने वाला है। और ये भी आपको देखना चाहिए, जैसे आपने बताया कि 8-10 साल से कोरोना के हिसाब से नौकरी चली गई है, बंद है, फिर भी गवर्नमेंट ने बोल्ड डिसीजन लेके कोई भी टैक्स नहीं डाला है। ये सब जो भी खर्चा हुआ है वो उन लोगों ने, गवर्नमेंट ने एब्जॉर्ब किया हुआ है करके। और उनकी एक नई पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने स्क्रैप पॉलिसी निकाली है,
कि 20 साल का जो पर्सनल कार रहेगा घर के और पब्लिक यूटिलिटी का 15 साल का रहेगा घर के, तो मेरे हिसाब से साल में 1 करोड़ कार या बसेस या लॉरी रोड से चली जाएंगी, नई कारें और लॉरी बाजार में आ जाएंगी, उसके वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलेगा। अब देखे जाए तो स्टील कंपनी को भी फायदा रहेगा, एसिलरी कंपनी जो रहेगी उनकी उनको भी फायदा रहेगा करके, और मेरे हिसाब से ये बजट से डेफिनेटली जीडीपी ग्रोथ डबल डिजिट में चालू हो जाएंगे करके, और ये कंटिन्यू डबल डिजिट में रहने वाले हैं ऐसा मेरे को लग रहा है। आपने कहा कि जीडीपी जो है डबल डिजिट में चली जाएगी, ग्रोथ आप देख रहे हैं। दिव्या मुमाया मैडम, आप तो कंपनी सेक्रेटरी हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या वाकई जीडीपी जो है ये डबल डिजिट में चली जाएगी, या किस तरह से वाकई का ग्रोथ को ये बढ़ाने वाला, प्रोत्साहन देने वाला बजट ये दिख रहा है आपको? जब मैंने कल बजट सुना है तो उसमें दो चीज जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये है कि जनरली जो हम आम आदमी हम देखते हैं कि हमें इसमें क्या बेनिफिट मिलता है, सो आज तक हम लोग उसको, कोई भी बजट को हम हमारे एंगल से ही हमेशा देखते हैं, बट आई थिंक ये बजट को हमें, बिकॉज कोरोना का जो एक इम्पैक्ट रहा है पूरे दुनिया पे, तो हमें हमारे दायरे से बाहर आके अगर हम ओवरऑल ग्रोथ फॉर इंडिया अगर हम देखते हैं तो उस प्रोजेक्ट में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे ये बजट बहुत अच्छे से फिट होता है, दैट्स व्हाट आई फील। एंड यस, अगर हम लोग कॉर्पोरेट लेवल पे देखें तो कोई बहुत ज्यादा चेंजेस टैक्सेशन सिस्टम में इस बार नहीं है, yes, जो है वो स्टेबल लास्ट ईयर का ही कंटिन्यू है, लेकिन हम अगर उसको देखें तो काफी कुछ अलग अलग लेवल पे, जैसे फेसलेस सर ने बताया, काफी रैशनलाइजेशन हुआ है, स्टार्टअप्स को काफी बेनिफिट्स है, 1% कंपनी जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफी रिस्ट्रिक्शंस थे तो काफी जगह पे वो रिस्ट्रिक्शंस रिमूव किए हैं, और उसकी वजह से एक जो स्मॉल बिजनेसेस है, छोटी कंपनीज है, उनको काफी उसमें बेनिफिट होना है। ऑलमोस्ट 2 लाख कंपनीज ऐसी हैं जिनको इम्पैक्ट इसमें डायरेक्टली मिलने वाला है, वो स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में बैठ जाती है, काफी कंप्लायंस बर्डन कम हो जाएगा। आपने कहा कि निश्चित तौर पे एमएसएमई को, जो छोटे उद्योग हैं जो या माइक्रो इंडस्ट्री जो, उसको बेनिफिट मिलेगा, एंटरप्राइजेस हैं उसको। जन साहब, जो अभी इस पूरे बजट में देखने के लिए मिला है, क्योंकि एमएसएमई जो है ये रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है, और इस बार सरकार ने जो उसका बजट था उसको दोगुना कर दिया है। जैसे मेरे पास आंकड़े अभी मौजूद हैं गवर्नमेंट के, कि लास्ट ईयर में 7572 करोड़ का था और इस बार 15700 करोड़ उसको कर दिया गया। आप इस इम्पैक्ट, इस जो ये सुधार है या इसका जो प्रोत्साहन दिया गया है, डबल उसको किया गया उस बजट को, उसके प्रोविजन को, इससे आपको कितना लगता है कि एमएसएमई जो है वाकई ग्रोथ करेगी? एमएसएमई सेक्टर इंडिया की इकोनॉमिक बोन है। लॉकडाउन, 8-9 महीने के लॉकडाउन के बाद भी आज हमारी इकोनॉमी ने, मैं वी शेप नहीं बट सुपर वी शेप रिकवरी बोलूंगा इसको, वो लिए, तो इसमें एमएसएमई का बहुत बड़ा योगदान है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारा ट्रेड और इंडस्ट्री इंडिया में एक कंजर्वेटिव अप्रोच रखता है, और कितनी भी एडवर्स सिचुएशन आ जाए उनको रिकवरी में टाइम नहीं लगता है। और आज जो गवर्नमेंट ने ये एक एलोकेशन को डबल किया है एमएसएमई सेक्टर के लिए, बहुत राइट स्टेप है, क्योंकि एमएसएमई को बूस्ट, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो ट्रिमेंडस होगा, लेकिन एक इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में भी बहुत बड़ा सहयोग मिलने वाला है। तो इसमें जो गवर्नमेंट की अप्रोच इस बजट में रही है बहुत सही है। क्या कहना चाहेंगे सर खाडिलकर साहब, ये राइट डायरेक्शन में है और ये ग्रोथ को बढ़ाएगा? ये बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूं उनसे। एक तो उन्होंने और एक चीज करी है कि जो एमएसएमई लघु उद्योग की जो बेसिक रिक्वायरमेंट ही, जो मेरे ख्याल से 50 लाख की जो सीमा थी इन्वेस्टमेंट की, वो बढ़ाकर सीधी 2 करोड़ कर दिए, यानी अभी छोटी कंपनी भी 2 करोड़ की होगी, ये भी बहुत अच्छी शुरुआत है। 4 गुना हो गया एक तरह से, 4 गुना हो गया, तो यानी बहुत सारे लोग सूक्ष्म और मध्यम इसमें ये परिभाषा में शामिल किए जाएंगे। तो उसके बाद जो गवर्नमेंट ने और एक पॉलिसी निकाली है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और जो बड़े उद्योग हैं उनको कुछ उनका उत्पादन का उनको जो सप्लाई है वो ये एमएसएमई एरिया से ही लेना कंपलसरी किया हुआ है। तो वो अभी जैसे ही उन्होंने उसका अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई है, तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने अगर वो सीरियसली इम्प्लीमेंट करना चाहा तो
जैसा 45 डेज में एमएसएमई को पेमेंट आना कंपलसरी किया हुआ है, ये सब सुधार जो होंगे ना तो एमएसएमई को एक सक्षम सपोर्ट मिलेगा, उसकी वजह से जो रोजगार क्रिएट करने वाला हमारा जो ग्रोथ इंजन है एमएसएमई, वो और भी जल्दी दौड़ पर रहेगा और पटरी पर आएगा। मेहता साहब, आपको लगता है वाकई ये जो इकोनॉमी है और खासकर जो एमएसएमई का कारोबार है ये बढ़ेगा, ये रफ्तार पकड़ेगा इस बजट से? मेरे हिसाब से दौड़ेगा डेफिनेटली। देखा जाए तो लास्ट 50 साल में कोई भी गवर्नमेंट ने इतना जोर एमएसएमई में नहीं किया है जो ये गवर्नमेंट कर रही है करके, और जो प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, प्रोत्साहन दे रही है कंपनी के लिए, और जो बजट डबल कर दिया है करके, तो डेफिनेटली उससे अपना ग्रोथ भी बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी रहेगा करके, और मेरे ख्याल से कंपनी प्रगति बहुत अच्छी तरह से करेगी, ऐसा हमारा मानना है। दीवा मैडम, क्या वाकई आपको लगता है कि इससे रोजगार को बड़ा बूस्टअप मिल सकता है? रोजगार की अगर हम बात करें तो काफी नए एवेन्यूज ओपन हो रहे हैं। अब जो आज हम अगर इंडिया देखते हैं तो मोर देन 65% ऑफ इंडिया इज यंग इंडिया, तो डेफिनेटली जो डिजिटलाइजेशन को जो बहुत ज्यादा फोकस दिया है उसकी वजह से जो नए एवेन्यूज आए हैं उसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। लेकिन मुझे एक जो ऑलवेज जो आई ऑब्जर्व वन थिंग इज दैट कि स्कीम्स तो बहुत सारी गवर्नमेंट निकालती है, बहुत हर बजट में बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को या जो नए जनरेशन है उनको आके खुद को एक अपस्किलिंग अपबिल्डिंग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि जो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको आप पूरी तरह यूज करके आप ग्रो कर सको। कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सिर्फ गवर्नमेंट का रोल नहीं होना चाहिए, काफी सारे एसोसिएशंस उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और अपस्किलिंग में। जितना ज्यादा इंडिया अपस्किल होगा उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। सर जैन साहब कुछ कहना चाहते हैं? मैं थोड़ा सप्लीमेंट करना चाहूंगा दिव्या जी की बात को। एमएसएमई वर्सेस कॉर्पोरेट, इन्वेस्टमेंट वर्सेस एम्प्लॉयमेंट। एमएसएमई में एम्प्लॉयमेंट 10 times ज़्यादा होता है इन्वेस्टमेंट वर्सेस। जो कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर 500 करोड़ लगाया है तो शायद वो 500 लोगों को काम देंगे, लेकिन अगर एमएसएमई में 10 करोड़ या 50 करोड़ लगाया तो उससे 10 गुना एम्प्लॉयमेंट एमएसएमई जनरेट करता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे दोबारा आना चाहता हूँ दिव्या मैडम, मुझे बताइए कि एमएसएमई की क्या समस्याएं हैं इस वक्त जिसमें इस बजट में सरकार को शामिल करना चाहिए था और उनके ऊपर खास ध्यान देना चाहिए था। आपको लगता है कोई ऐसी चीज है जो सरकार ने इस बजट में एमएसएमई को लेकर ध्यान नहीं, जैसे खुद जैन साहब ने कहा कि ये बैकबोन है एक तरह से इकोनॉमी का और रोजगार का दोनों का। मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो ये है कि हर एक सेक्टर को ड्यू वेटेज दिया है, हर सेक्टर के लिए कोई ना कोई बेनिफिट कोई ना कोई स्कीम है, बट जो ओवरऑल लीगल सिस्टम है, जहां तक मेरा मानना है कि लीगल सिस्टम में जो कंप्लायंस बर्डन है वो बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं कुछ सिंगल विंडो सिस्टम ऐसा हो जहां पे रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज प्रोसेसेस, इवन दो ईज ऑफ इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया बहुत हद तक हम लोगों ने इम्प्रूव किया है रैंकिंग, बट फिर भी ओवरऑल कहीं ना कहीं ओवरऑल लीगल सिस्टम में अभी भी काफी सारे चैलेंजेस हैं। सो उसको एक कहीं ना कहीं थोड़ा वेटेज कम है, और डीक्रिमिनलाइजेशन में भी काफी सारे एफर्ट्स ली गई हैं, बट वहाँ पे थोड़ा और एम्फेसिस होगा तो लोग कंप्लायंस को छोड़ के बिजनेस पे ज्यादा फोकस करेंगे। मेहता साहब क्या कहेंगे आप, बिजनेस पे किस तरह से फोकस, ये जो अभी दिव्या मैडम ने अभी सजेस्ट किया कि तभी ये होगा जब उसके लिए प्रॉपर इंतजाम किए जाएंगे, आपको क्या लग रहा है कि वाकई इस पे फोकस करने की जरूरत है ज्यादा? डेफिनेटली फोकस करने की जरूरत है। मैं तो एक ही बात बता रहा हूँ कि स्कीम्स अच्छी है, प्रपोजल्स अच्छी है गवर्नमेंट की, द ओनली थिंग इज दैट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम्स ऑन द ग्राउंड लेवल इज रिक्वायर्ड। इफ दैट इज बीन डन, ये हो सकता है और ये करेंगे तो डेफिनेटली चांद चार लग जाए। आपको पिछले एक्सपीरियंस से क्या लग रहा है कि क्या वाकई ये मोदी सरकार जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको प्रॉपर तरीके से कर रही है कि अभी भी खामियां मौजूद है? वो कर रही है, ऐसे ना नहीं बोल रहा हूँ, वो तो 6 साल से अपने को देख रहे हैं कि कहाँ से कहाँ हम लोग पहुँच गए हैं करके, फिर भी थोड़ा बहुत और सुधार करने की जरूरत है ऐसे मेरे को लग रही है ये बजट से। जो बजट किसी ने अपेक्षा नहीं की थी वैसा बजट है करके, और इनको साकार करने के लिए ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन होता है तो कोई किसी को इंडिया को आगे बढ़ने से रोक नहीं पा सकता करके, तो थोड़ा बहुत सुधार होने की जरूरत है ऐसा मेरे को लग रहा है।
जैसे आप दोनों ने कहा कि इसमें सिंगल विंडो होना चाहिए ताकि उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा, एज ए कंपनी संचालक जो आप कंपनी चला रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई जो बजट में प्रोविजंस किए गए हैं उसका फ़ायदा आने वाले समय में बड़े पैमाने पर होगा? होना चाहिए एक्चुअली. वो रीड आउट कैसे करें, समझो अभी मैं इंडस्ट्री यहाँ एक स्टेट में चलाता हूँ, एक MIDC एरिया में चला रहा हूँ, तो मुझे कभी भी ऐसा सोचना नहीं चाहिए और ऐसे सिचुएशन नहीं आनी चाहिए ताकि मैं स्थलांतर करके दूसरे राज्य में जाऊँ, क्योंकि वो कोई लुभावना प्रपोजल दे रहा है. प्रपोजल ऑल वन इंडिया वन नेशन करके एक ही जैसा अपने संभावना होनी चाहिए कि मुझे भी सेम अपॉर्चुनिटी मेरे स्टेट में और मेरे नज़दीक वाले जगह में मिलनी चाहिए, ताकि मैं उसमें ज़्यादा करके हमारे जैसे ये फिक्की असोकेम और हमारे इंडियन मर्चेंट चैम्बर, इनका रोल रहेगा कि ऐसे प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए जाए कि जो हमारे लिए कामयाब लोगों को आइडिया मिले. फॉर एग्जांपल अभी जिसके ऊपर गवर्नमेंट ड्यूटी लगा दी है तो जाहिर है कि वो महंगा होने वाला है. तो गवर्नमेंट ड्यूटी क्यों लगाती है, क्योंकि शायद ये आइटम इंडिया में काफ़ी तरह से बन चुका है और बनने के लिए तला है, लेकिन ये आइटम इंडिया में बहुत मात्रा में बन रहा है इसकी जानकारी आमतौर पर लोगों को नहीं है, नहीं है ना. yes, मेरे yes. बाजू वाले को मालूम है कि ये प्रोडक्ट में बना था और वो बाजू वाले के काम का है. तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म चाहिए कि जहाँ जैसा नितिन गडकरी साहब ने पहले बोला था कि MSME जैसा अलीबाबा या अमेजोन जैसा एक प्लेटफॉर्म करना चाहते हैं MSME के लिए, ताकि सब लोग अपना अपना प्रोडक्ट अपने अपने एरिया में सेक्टर में पब्लिश कर सके और वो कॉम्पिटिटिव नेचर में हो और गुणवत्ता जो इंटरनेशनल लेवल पर हो वही उसको उसमें दाखिल किया जाएगा. इस तरह का कुछ प्रावधान किया जाए, उसकी तरफ स्टेप करे और या उसको प्रबोधन करे कोई कोई मर्चेंट चैम्बर के जरिए, तो बहुत लोगों को आसानी होगी. खड़कर साहब ने एक बात कही जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि छोटा सा अगर सामान लेना है तो जनरली लोग अमेजन पर ढूंढते हैं कि मेरे अगर एक सॉक्स लेना है तो भी अमेजन पे जाते हैं और एक फ्रिज लेना है तो भी अमेजन पे जा रहे हैं. इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसने उस चीज़ को सामने ला दिया है. आप क्या मानते हैं, क्या वाकई इसकी बड़ी ज़रूरत है और ये पहल बहुत पहले हो जानी चाहिए थी? आज हम बजट के टाइम क्यों इस बात को कहें? आपने जो ये पूछा कि इस बजट के टाइम पे क्यों कहें, तो मैं थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहूँगा. आज मार्केट इंडियन मार्केट या US मार्केट नहीं है, ये ग्लोबल मार्केट है. और जब हम ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं तो हमारा कॉम्पिटिशन ग्लोबली है. इंडिया के अंदर कॉम्पिटिशन नहीं है, ग्लोबल कॉम्पिटिशन है. और जैसा सब जानते हैं कि कुछ महीने पहले हमारी गवर्नमेंट ने लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए इंपोर्ट्स को कर्टेल किया. आज बहुत सारी जंक चाइनीज गुड्स जो कि मार्केट में फ्लडेड हुआ करती थी उसका इंपोर्ट कर्टेल हो गया. लेकिन उन चीज़ों की सप्लाई यहाँ मेंटेन रखे, लोकल यहाँ पर प्राइस नहीं बढ़े, उसके लिए ये जरूरी है कि लोकल इंडस्ट्री आगे आके उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करे. आज जो इस बजट में गवर्नमेंट ने बूस्ट दिया है MSME को, सी स्टार्टअप के लिए उन्होंने टैक्स हॉलीडे एक साल और बढ़ाया है, तो ये जब सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी तो आज हमारी इकनॉमी इंडियन मार्केट ग्लोबली कॉम्पीट करेगा. अब एक प्लेटफॉर्म की बात जो मेरे कॉलीग खाडिलकर साहब ने कही, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ. आज चाइनीज प्रोडक्ट वर्ल्ड में क्यों छाई हुई है या सब लोग मेड इन चाइना की बात क्यों करते हैं, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट साल में 2 इवेंट करती है मेड इन चाइना गुड्स की इंटरनेशनल एग्जीबिशन के लिए, जिसको हम सरल भाषा में कैंटोन फेयर कहते हैं. साल में 2 बार होता है, पूरे वर्ल्ड से हर एक वर्ल्ड के हर एक पार्ट से लोग वहाँ विजिट करते हैं, वेंडर्स को ढूंढने के लिए, मैन्युफैक्चरर्स से कांटेक्ट करने के लिए, और सुई से लेकर वहाँ कार तक वहाँ पर डिस्प्ले होती है, बट ओनली मेड इन चाइना. मेड इन चाइना, ओके. सिमिलर टाइप की अप्रोच हमारी गवर्नमेंट को रखनी चाहिए, वर्ल्ड एक्सपो ऑर्गेनाइज करना चाहिए, स्पेशली MSME सेक्टर के लिए जो कि मेड इन इंडिया हो, और वर्ल्ड लीडर्स को, वर्ल्ड के जो सोर्सिंग करने वाले हैं उनको इनवाइट करना चाहिए, इंसेंटिव देना चाहिए, जिससे कि हमारी MSME सेक्टर के प्रोडक्ट आज वर्ल्ड मार्केट में एक्सपोज होकर उनको बिजनेस मिले, ये बहुत ज़रूरी है. बहुत बढ़िया बात आपने कही है. मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सुझाव है कि अगर ये सरकार करती है तो मुझे लगता है कि जो भी MSME में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो निश्चित तौर पर पूरी दुनिया को पता चलेगा और इससे भारत का जो कारोबार है वो तेज़ी से बढ़ेगा.
लेकिन फिलहाल इस तरह की अभी तक कोई इंतजाम चल नहीं रही है। हमारे मेहमानों से बातचीत आगे भी जारी रहेगी, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए टीवी वन इंडिया के साथ। क्या है समस्या, कौन है जिम्मेदार, नगर सेवक, अधिकारी या सरकार? वार्ड परिक्रमा में खुलेगा भ्रष्टाचार का राज, जब बुलंद होगी आम जनता की आवाज। नगर सेवक को तो कभी नहीं देखा, नगर सेवक का भी काम है कि वो आके उसके नगर में देखे, डेवलपमेंट तो कहीं पे नजर नहीं आ रहा। हम बहुत प्यारे हैं। वार्ड परिक्रमा खोल खोल। नमस्कार, मी डॉक्टर श्याम उर्मिलाबाई चिदानंदराव मोरे आपल्या समोर लवकरच घेऊन येतोय एक आगळा वेगळा कार्यक्रम, ज्याचं नाव आहे कुछ बातें कुछ मुलाकात। मराठी हिंदी आणि इंग्रजी या तिन्ही भाषेतून होणाऱ्या या चर्चा सत्रात सामान्याचं असामान्य कर्तृत्व, जगमान्य नेतृत्व आणि सर्वमान्य वक्तृत्व यांच्या चर्चा होतील। या चर्चेत कधी गीत असेल तर कधी संगीत असेल, कधी आत्मा असेल तर कधी परमात्मा असेल, कधी राजकारण असेल तर कधी समाजकारण असेल, कधी भावना असतील तर त्या भावनेशी संबंधित विश्व असेल, कधी ज्ञात असेल तर कधी अज्ञात असेल, कधी टाळ असेल तर कधी मृदंग असेल, कधी वाणी असेल तर कधी वाणीचा विलास असेल, कधी संशोधन तर कधी प्रबोधन असेल, आणि कधी कधी या सर्वांना गुंफणार एक भावनांचं विश्व तुमच्या समोर सादर केलं जाईल। अशा या अनोळखी पण अथक प्रवासात ओळखीचे आपण सारे जण आम्हा सोबत असणार याची आम्हा खात्री आहे, आणि म्हणूनच भेटूया लवकरच। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम सवाल है में। आज हम चर्चा कर रहे हैं बजट 2021 पर, कि यह बजट उम्मीदों पर कितना खरा उतरा, और हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान हैं, कारोबार और उद्योग जगत की कई हस्तियां हमारे साथ मौजूद हैं। हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैन साहब, उद्योग और कारोबार के लिए सरकार ने इस बार विशेष ध्यान दिया है जी, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप आंकड़ों के हिसाब से बताएं जी कि वाकई इस बजट में खास क्या है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? कि ये बजट बाकी पिछले बजटों से बहुत डिफरेंट रहा है, और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस बजट में किसी पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर स्टेट को अपीजमेंट वाली पॉलिसी से दूर रखा गया है। जितने भी एलोकेशंस हुए हैं फंड्स के, वो जनरल हैं, जो कि हमारे देश को एज ए होल आगे लेके जाएंगे। मैं कुछ फंड एलोकेशन कोट करना चाहूँगा। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज 1,18,000 करोड़ का एलोकेशन है, 64,180 करोड़ का आत्मनिर्भर हेल्थ एलोकेशन है। देखिए, अब तक के जितने भी बजट जो 5-6 साल पुराने आते रहे हैं, उसमें कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एलोकेशन नहीं हुआ या उसको नेग्लेक्ट किया गया है। और किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बैकबोन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, जो कि इस बजट में टॉप प्रायोरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को दी गई है। और अगर आज हमारे देश को ग्लोबली कॉम्पीट करना है, तो हमको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मैचिंग करना पड़ेगा बाकी ग्लोबल स्टैंडर्ड से। उसमें इस बजट को बहुत बड़ा एलोकेशन है। देखिए, रेलवेज 1,10,000 करोड़, बहुत बड़ा एलोकेशन है रेलवेज के लिए 1,10,000 करोड़। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स 54,581 करोड़। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 73,932 करोड़। तो ये जो फिगर मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे फिगर हैं जो अगर ऑनेस्टली टाइमली इम्प्लीमेंट हुए तो हमारा देश एक डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप्ड इकोनॉमी होने में उसको टाइम नहीं लगेगा, ये मेरा मानना है। लेकिन जब डेवलपमेंट होगा, कंट्री डेवलप करेगा, तो हर सिटीजन को उसका बेनिफिट इनडायरेक्ट या डायरेक्ट मिलेगा ही मिलेगा, वो इस बजट में ध्यान रखा गया। खालिकर साहब, मेरा जो दूसरा सवाल ये है कि सरकार कह रही है कि इस बजट से आम लोगों को बहुत फायदा होगा, इंडस्ट्री कारोबार को, जैसा आप लोग खुद भी मान रहे हैं कि बहुत ही सकारात्मक है। मेरे पास जो चार्ट है उसमें बताया गया है कि महंगा क्या हुआ है। मोबाइल है महंगा हो गया है, शराब महंगी हो गई है, पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है, सेब महंगा हो गया है। सस्ता क्या हुआ? सोना चांदी, बिजली, कृषि उपकरण और इंश्योरेंस सस्ता हुआ है। मेरा जो इसमें से जो असली जो मुद्दा मेरा है, पेट्रोल और डीजल, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर ईंधन का रेट ज़्यादा है तो उसका असर सारी चीज़ों पर पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट उस पर आधारित है, और जितनी भी महंगाई का मेन अगर जरिया कोई है तो वो ट्रांसपोर्ट ही माना जाता है। आपको लगता है कि पेट्रोल और डीजल का महंगा करके और सरकार ने इसको एक तरफ सुधारने की कोशिश, और दूसरी तरफ
वो पाँव में रस्सी बांधने वाली बात है कि महंगाई से लोगों की वैसे ही तकलीफ चल रही है पेंडेमिक और लॉकडाउन की आर्थिक मंदी में? जैसा कि नहीं सब लोग मानते हैं बराबर है कि जो एक बार वर्ल्ड वाइड पेट्रोल के और डीजल के दाम घट गए तो अपने इंडिया में उसके हिसाब से करना चाहिए। नॉर्मली जीएसटी के दायरे से पर्पजली क्यों रखा गया है, क्योंकि यहाँ दो टाइप के टैक्सेशन है। एक है जो बेसिक प्राइस है उसकी, उसके ऊपर एक सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है अभी, और उसके ऊपर एक स्टेट गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में हर एक के आमदनी होने वाले जो जरिए है वो अलग अलग है। जैसा कि महाराष्ट्र और जो प्रोग्रेसिव स्टेट है उसमें अलग अलग तरह से आमदनी होती है और गवर्नमेंट का बजट अच्छी तरह से बैलेंस होता है। लेकिन जो मिजोरम है जहाँ कोई ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं है वहाँ उनको सपोर्ट करने के लिए एक ही होता है कि टैक्सेशन और पैसा कैसा जमा करें। तो ये जो पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनको पैसा मिलता है, तो ये डबल टैक्सेशन सिस्टम की वजह से हो रहा है। बेसिक प्राइस उसकी ऑलवेज कम है। अभी देखो गवर्नमेंट ने एक पहल की है कि उनको पैसा तो जमाना था कृषि टैक्स की वजह, अगर उन्होंने वो टैक्स ऐसे ही लगाया होगा, हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि हर चैनल पर हर पेपर पर बोल रहे थे कि ये टाइम कोविड टैक्स नाम की नई इंट्रोडक्शन होगी। अच्छा, और ये अपेक्षा बिल्कुल सुबह तक थी और बजट सुनने के बाद सब लोग को सरप्राइज हुआ। और भी सरप्राइज इसमें ऐसा हुआ कि जो पेट्रोल का टैक्स है उसमें से 4 रुपया उन्होंने गवर्नमेंट ने अपने जेब से कम कर दिया है और उसका खाली पेपर एंट्री अलग कर दिए कि जो कृषि टैक्स या शेतकरी टैक्स है सबको बोल रहे हैं, ऐसा कुछ उन्होंने ट्रांसफर, यानी बिल्कुल बैलेंस रखा हुआ है। लेकिन ये जीएसटी और वो डबल टैक्सेशन ये मुद्दा थोड़ा जटिल है और हर एक गवर्नमेंट किसी भी पक्ष का हो वो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाता है, ऐसा हमारा मानना है। तो आपको नहीं लगता इससे महंगाई पर असर पड़ता है, बड़ा असर पड़ता है? कोई टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, अब डायरेक्ट टैक्स बढ़ाओ तो बहुत बड़ा बवाल हो जाता है। अभी ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, यानी आप ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ा दी तो नॉर्मली क्या होगा, लोग सोचेंगे पहले दिन कि मैं आज नहीं जाता हूँ, कल 2 दिन आखिरी में वो उसको एडजस्ट करना ही पड़ता है कि जिसके जरिए वो, अच्छा जो भी आप बोल रहे ट्रांसपोर्ट पैसा भर दिया वो आखिरी में ट्रांसफर कहाँ होता है, एक सामान्य ग्राहक के ऊपर, तो उसके ऊपर ही वो पैसा जाता है, भार तो उसी उसके ऊपर जाता है। तो जो भी ट्रांसपोर्ट वाला हो या और भी कोई जहाँ से पैसा आने वाला हो तो नॉर्मली वो आम आदमी को अपने से देना पड़ता है। अभी अगर रोजगार के एवेन्यूज बढ़ गए, आदमी को पैसा मिलने के चांसेस बढ़ गए, जैसे भले मनरेगा में हो वहाँ उनकी उनका रेट बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली ये कॉम्पेंसेट हो सकता है। हो सकता है, क्या कहेंगे मेहता साहब, को लगता है कि इसका असर महंगाई नहीं बढ़ाएगा? मैं नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने बजट में डिक्लेयर किया है कि 2.59 रुपीज इन पेट्रोल एंड 4 रुपीज इन डीजल, ये आम जनता के ऊपर बोझ नहीं है। ये जो कंपनियां हैं शेल कंपनी BPCL IOC वो अपने जेब से पैसा देने वाली है गवर्नमेंट को, ये डायरेक्ट कंज्यूमर के ऊपर बर्डन किया हुआ नहीं। अच्छा, है ओके, और दूसरा बात जो खाडिलकर साहब ने बताया करके कि डबल टैक्सेशन करके, तो मेनली जो भी पेट्रोल का भाव रहा है उसमें से 30 से 32 रुपया तो स्टेट गवर्नमेंट ले जाती है। यदि ऑल स्टेट गवर्नमेंट एकजुट होके जीएसटी के दायरे में लेके आएंगे तो डेफिनेटली ये पेट्रोल भाव 60 रुपया से कम होने लगेंगे करके। लेकिन ये अलग अलग 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी अपने फायदे की सोच रहे हैं, कंज्यूमर एंड कंज्यूमर की नहीं सोच रहे करके, उसकी वजह से ये जीएसटी दायरे में नहीं आ रहे। ये इंडिया गवर्नमेंट ने तो स्टार्टिंग से ही बताया था, जब से ये जीएसटी आए हैं वन नेशन वन टैक्स, तब से ये बता रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आना चाहिए करके। लेकिन अदर पॉलिटिकल पार्टी आर टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ इट, यदि मेरे ख्याल से ये मेरा मानना है। क्या कहेंगे मैडम, क्या वाकई ये जीएसटी में लाना ही इसका समाधान है? सरकार ने इस पर जो रेट इसका बढ़ाया है पेट्रोल और डीजल का, ईंधन से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है महंगाई का, महंगाई पर असर पड़ता है, लेकिन जैसा कह रहे हैं कि डायरेक्टली ये कि आम लोगों पर इसका असर नहीं होगा, बल्कि जो सेल कंपनियां हैं वो इसका जो बाकी हिस्सा है वो चुकाएंगी, आपको सही लगता है ये? एज अ कंपनी सेक्रेटरी या एज अ कंसल्टेंट आई डोंट स्पेशलाइज इन टू GST, लेकिन एक बात जो मैं एज अ आम आदमी, अगर आम यू नो
इंडियन सिटीजन के तौर पे अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डबल टैक्सेशन या जो गवर्नमेंट जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के जो अपने अपने इंटरेस्ट हैं दे ऑल शुड कम टुगेदर एंड उसके ऊपर ही या उसके बाद ही इसके ऊपर कहीं ना कहीं जैसे सर ने भी बताया उसके ऊपर रास्ता निकल सकता है. एक सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें अकेले डिसीजन नहीं ले पाएगी. सो दैट इज वन. दूसरा अगर हम लोग बर्डन की बात करें आम आदमी के ऊपर क्योंकि जैसे सर ने बोला कि अल्टीमेट बर्डन आम आदमी पे आता है तो कहीं ना कहीं यस जो कोविड का एक जो गैप हुआ है गवर्नमेंट के जो फंड्स में उसकी वजह से कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट और प्लस ओवरऑल इन्फ्लेशन थोड़ा सा उसमें इजाफा होने वाला है. दैट्स व्हाट आई फोरसी. और उसकी वजह से गवर्नमेंट इज आल्सो ट्राइंग एंड आई थिंक दिस इन्वेस्टमेंट इज वन टॉपिक व्हिच गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन वेरी वेरी एग्रेसिवली ताकि बोझ एंड कंज्यूमर पे ज्यादा ना रहे और गवर्नमेंट अपने फंड्स उसमें ज्यादा से ज्यादा डिस इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेकर आए. सो दिस इज वन सॉल्यूशन व्हिच आई फील हैज बीन गिवन अ ड्यू एडवांटेज और ड्यू वेटेज. आपने कहा डिस इन्वेस्टमेंट की बात आपने कर दी. सरकार ने 20,000 करोड़ की जो धनराशि है इसमें नए DFI की स्थापना के लिए दी है. आप इसे कितना सही मानती हैं? डिस इन्वेस्टमेंट मेरा ओवरऑल अगर हम ये डिस इन्वेस्टमेंट का टॉपिक देखें तो जो मैं मानती हूँ या जो मैंने सोचा है या देखा है गवर्नमेंट का काम है गवर्नेंस करना. बिजनेस रन करना ऑलवेज शुड बी द प्रायोरिटी ऑफ द पब्लिक प्राइवेट सेक्टर नॉट द पब्लिक सेक्टर. डेफिनेटली कुछ इंटरेस्ट मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ इंडस्ट्रीज अपने कंट्रोल में रखनी पड़ती है. yes, लेकिन जितना ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट जितना ज्यादा गवर्नमेंट उस चीज से बाहर आएगा दे विल बी एबल टू फोकस ऑन बेटर गवर्नेंस. और अभी खास फोकस डिसइन्वेस्टमेंट में जो इट्स नॉट अ कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट. कंप्लीट गवर्नमेंट बाहर नहीं आ रही है. दे आर पार्शियली कमिंग आउट एंड सेलिंग द स्टेक टू द पब्लिक टू रेज द फंड्स. सो दिस इज अ वेरी गुड मूव जो ये बजट में मैंने ऑब्जर्व किया है. और अगर ये जो चैलेंज अगर मैं पुराने डिसइन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स देखती हूँ तो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे बहुत बार फेलियर्स देखे गए हैं. यूनियन के प्रॉब्लम्स चैलेंजेस काफी सारे जो डाइवर्स इंडस्ट्रीज हैं डाइवर्स लोगों के इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये इम्प्लीमेंटेशन उसका कितने हद तक सक्सेसफुल होता है उसके ऊपर यह पूरा आगे मतलब आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो पिछला एक्सपीरियंस है वो इम्प्लीमेंटेशन में खामियां तमाम रही हैं. 100% तो अभी इस बार जो DFI है 20,000 करोड़ की जा रही है क्या उससे अब उसमें कोई खामियों को सुधारा गया है कि बस वही फिर से घोषणा कर दी गई है? नहीं नहीं उसमें काफी हद तक इम्प्रूवमेंट है. मैंने ओवरऑल डिटेल में तो स्टडी नहीं किया. अगर सर उसमें कुछ लाइट दे सके उसके ऊपर तो मेहता साहब कुछ बोलना चाहते हैं बोलिए सर. ये जो 20,000 करोड़ का DFI किया हुआ है फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने प्रोफेशनलिज्म को देने का सोचा है. यस दैट इज द प्लस पॉइंट. और इस हिसाब से मेरे की हिसाब से 3 साल में 5 लाख करोड़ रुपया जुटा पाएगी गवर्नमेंट और ये नया प्रोजेक्ट के रूप में कर्ज के हिसाब से दिए जाएंगे. अच्छा ओके. और ये इंफ्रा प्रोजेक्ट जो किए हैं उसमें रेल फ्रेट कॉरिडोर एयरपोर्ट वेयरहाउसिंग इस माध्यम से पैसा जुटाने की घोषणा है. तो मतलब आप इसे सही मानते हैं सही कदम मानते yes, हैं? I believe it is in the right direction. क्या कहेंगे आप खड़ेकर साहब क्या वाकई ये सही कदम है क्योंकि अगर पिछला एक्सपीरियंस देखें तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं बैकलॉग्स हैं और ऐसे में फिर से 20,000 करोड़. नहीं जब भी कोई हादसा होता है और हम लोग उसमें से आगे जाकर उसके सुधार करके उसमें से जो लूप होल्स है वो प्लग करके आगे जाएगा. जैसा कि आपको मालूम है 2G और 3G का एक बड़ा हादसा हुआ था तो उसके हिसाब से लोग थोड़े हुए डरे हुए रहते. अगर उसको सिस्टमेटिकली इम्प्लीमेंट कर दिया जैसा कि अभी बहुत सारी इंटरनेशनल या नेशनल कंपनियाँ हैं कि जो फंड मैनेजमेंट और ये उसमें कर दिए ये प्रोफेशनलिज्म जैसा मेहता साहब ने बताया ये प्रोफेशनल अप्रोच है. और कितने दिनों में और कितने सालों के अंदर ये कवर हो सकता है क्योंकि बजट तो हर साल बनता है. yes, तो जरूर ये 3-4 महीने के बाद उसका रिव्यू हो जाएगा. अगले साल तक तो बिल्कुल लोग बोलेंगे लोगों की नज़र भी इलेक्शन के ऊपर रहती है. तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि ये जो कुछ इम्प्लीमेंटेशन नए करे तो ताबड़तोब उसकी रिकवरी हो और कुछ अच्छा रिजल्ट उसके बाहर उसका व्यापक असर दिखे जनता में. यस जैन साहब आपको क्या लग रहा है क्या खामियां इसमें आपको नजर आ रही हैं या लगता है कि वाकई ये बहुत सोचा समझा जो कदम है सरकार ने उठाया है इसके लिए? देखिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा
अगर आपको कंट्री को ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनाना है तो आपको डिसइन्वेस्टमेंट FDI को प्रमोट करना ही पड़ेगा। हम काफ़ी सालों से, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हम काफ़ी सालों से वेट कर रहे हैं कि एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट कब होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पा रहा है। आज सिंगापुर जैसा एक सिटी कंट्री है जो कि अपनी एयरलाइन सिंगापुर एयरलाइन की वजह से जाना जाता है, आज भारत जैसा इतना बड़ा देश उसकी एयरलाइन वर्ल्ड में कहीं भी पहचान नहीं है, नहीं है। बिल्कुल सही कहा, जो कि आज उसको वर्ल्ड में रूल करना चाहिए उस एयरलाइन को, लेकिन वो नहीं है क्योंकि उसका डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हुआ और वो स्टिल गवर्नमेंट के कंट्रोल में काफ़ी कुछ हद तक है। अभी ये गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है इंश्योरेंस सेक्टर में 49 से 74% FDI का। अगर ये ऑनेस्टली इम्प्लीमेंट, क्विकली इम्प्लीमेंट होता है, इट विल बी द गेम चेंजर फॉर आवर इकोनॉमी एंड आवर ओवरऑल परफॉर्मेंस इन वेरियस सेक्टर्स, बिकॉज इंश्योरेंस आज एक ऐसा सेक्टर है जो कि हर बिजनेस को अफेक्ट करता है और हर बिजनेस के साथ जुड़ा रहता है। तो अगर एफिशिएंट, ऑनेस्ट इंश्योरेंस प्लेयर्स मार्केट में आते हैं तो उससे बिजनेस को बूस्ट ऑटोमेटिकली मिलता है। आज जो हम देखते हैं प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां जो सर्विस देती हैं, प्रॉम्प्ट सर्विस देती हैं, वो हमने पहले आज से 5 से 10 साल पहले कभी नहीं देखी। तो डिसइन्वेस्टमेंट डिफरेंट सेक्टर्स में ये बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट को क्विकली इसको ऑनेस्टली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मैं कंक्लूजन की तरफ जाना चाहता हूँ। ये पूरा बजट अगर आप देखें तो ये बहुत ही चुनौती भरे समय में आया है। ऐसा कभी वक्त भारत के सामने नहीं रहा कि जब इतने महीने के पेंडेमिक सिचुएशन के बाद और जबकि पूरा आर्थिक कारोबार एकदम से ध्वस्त हो गया हो और ऐसे बीच में सरकार को सब सारी चीज़ों को रिवाइव करना पड़ा और उसके लिए पॉलिसी बनानी पड़ी हो। दिव्या मैडम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या वाकई आपको लगता है कि इस बजट से कंपनी कारोबार में उछाल आएगा, रोजगार को बड़ा मौका रोजगार का सृजित होगा और इससे आम लोगों को भी फायदा होगा? मैं इस बजट को 7 to 8 में रेट करूंगी। एंड पूरा जब हम लोग बजट को ओवरऑल देखते हैं, हर सेक्टर को कंसीडर करके, हर सेक्टर के चैलेंजेस को ध्यान में रख के उसके ऊपर जो सॉल्यूशंस के बात है और उसको आज से एक विजन या उसको एक गोल के हिसाब से टारगेट रख के और प्लानिंग किया गया है। अल्टीमेट इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर सबसे बड़ी चीज निर्भर करेगी कि ये बजट में जो जो चीजें बताई गई हैं वो कितने लेवल पे इम्प्लीमेंट होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हम ह्यूमन सिस्टम में हैं। बिल्कुल। तो जो ऊपर में डिसाइड होता है या डिसीजन होता है वो ग्राउंड लेवल पे उसका कितना बेनिफिट आएगा, कितना नीचे तक उसका लोग इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे गवर्नमेंट मशीनरी, उसके ऊपर ये पूरा निर्भर करेगा। सो आई थिंक ओवरऑल अ गुड बजट। सर क्या कहेंगे मेहता साहब, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लंबे समय से जुड़े हुए हैं, इस बजट का कितना इम्पैक्ट आप देख रहे हैं उसको? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बजट को 10/10 दूंगा। जो भी रिफॉर्म किया हुआ है 1991 में उस टाइम की गवर्नमेंट ने, उससे भी ज़्यादा ये रिफॉर्म वाला बजट है। तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा इंडिया को मिलने वाला है। आपने बताया इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में कोई बदलाव तो गवर्नमेंट ने कोई चेंजेस नहीं लाए हैं करके, लेकिन आज की तारीख में जो एक्सपोर्टर्स वाले जो तकलीफ में है वो ध्यान देने वाली है कि अप्रैल 2019 से आज तक MEIS स्कीम जो पैसा गवर्नमेंट के रुक के रखे हैं तो एक्सपोर्टर्स का कैपिटल ब्लॉक हो गया है। गवर्नमेंट ने नया कायदा चेंज किया है GST अंडर सेक्शन 16। जब तक फॉरेन से आपका पैसा नहीं आएगा तब तक आपको GST रिफंड नहीं मिलेंगे घर। तो उस वजह से एक्सपोर्टर्स का कैपिटल अगेन ब्लॉक हो गई है करके। थर्ड थिंग, अब देखे जाए पेंडेमिक से बाद आज तक फ्रेट रेट्स जो बढ़ गए हैं, इंटरनेशनल फ्रेट रेट्स सी के, वो 60% से 600% तक बढ़ गए हैं। तो उस वजह से एक्सपोर्टर्स की भी कैपिटल कम होती जा रही है करके, और उसके सामने एक्सपोर्टर के पास इतने कैपिटल नहीं पड़ी है, जितने भी कैपिटल इन्फ्यूज नया करेंगे फिर भी ये एक्सपोर्टर्स काम नहीं कर पाएंगे करके। तो ये तकलीफ मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को ज़्यादा उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, स्पेशली ये GST का सेक्शन 16 जो रिफॉर्म किया है वो नहीं करना चाहिए,
और गवर्नमेंट ने जो ब्लॉक किया है MEIS स्कीम वो जल्दी से जल्दी रिलीज करना चाहिए। खालिदगढ़ साहब क्या कहेंगे आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, इस बजट को आप इंडस्ट्री के बूस्टअप के लिए कितना इम्पोर्टेंट मान रहे हैं? कोई इंडस्ट्री की तरफ इसमें बजट में कोई फोकस नहीं था, लेकिन जो ऑटोमेटिक इम्पैक्ट जो इंडस्ट्री की बढ़ावे के लिए आने वाला है, जैसा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत सारा पैसा जा रहा है, खर्चा होने वाला है, फ्रेट कॉरिडोर रेलवे में होने वाला है, तो ऑटोमेटिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये इंडस्ट्री को बूस्ट करेगा, रोजगार निर्मित होगी, लोग भी थोड़े स्टार्टअप में आगे आएंगे, अपना कारोबार चालू करेंगे, तो नेचुरली और एक क्वालिटी कॉन्शियसनेस मेरे हिसाब से तैयार हो गया जनमानस में, तो वी कैन ऑलवेज कॉम्पीट ऑन द इंटरनेशनल लेवल्स एंड पॉजिटिव बजट है। इवन प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर को मैं कंग्रेचुलेट करूँगा कि उन्होंने इतना डेयरिंग स्टेप लिया हुआ है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट शायद कम होगा क्योंकि अपना जो डेफिसिट है जो 3% रखने के लिए हम लोग मजबूर थे, तो 9% तक होने के बावजूद भी इन्वेस्टमेंट होगी, बाहर से आएगी ये उम्मीद करते हुए और डिस इन्वेस्टमेंट वो बैलेंस करते हुए ये बहुत बोल्ड स्टेप लिया हुआ है। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट हर। जैन साहब क्या कहेंगे सर, आप तो इंडियन मर्चेंट चैम्बर में हजारों ऐसे ट्रेडर्स हैं, इंडस्ट्री वाले हैं, उद्यमी हैं, कितना इम्पैक्ट आप देख रहे हैं इस बजट को लेकर? मैं अगर एक लाइन में कहूँ जो मैंने दो दिन में ऑब्जर्व किया है, इस कंट्री के यंगस्टर्स में स्पेशली जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनमें एक भावना आई है दो दिन में कि हम एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर क्यों ना बन जाएं। यस। और एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर बनने की जब भावना आ जाएगी तो उस कंट्री का इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कोई नहीं रोक पाएगा। वो इस बजट ने कोशिश करी है करने की, खाली ऑनेस्ट और क्विक इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। जरूरत। मैं आप लोगों से अभी आखिरी कमेंट लेना चाहूँगा, दो मेरे सवाल बचे हैं। सबसे पहला ये कि 5 ऐसे पॉइंट बताइए कि जो इस बजट की खामियां हैं। दिव्या मैडम आपसे मैं शुरुआत करता हूँ, 5 ऐसे क्या पॉइंट्स हैं आपके ऑब्जर्वेशन में आए हैं जो आपको लगता है कि इस बजट की खामी है? 5 तो नहीं, मैं एक कहूँगी जो मेरे फील्ड से रिलेटेड है। यस। कंपनीज एक्ट कॉरपोरेट लॉज के जब हम बात करते हैं तो काफ़ी सारे पेनल्टीज प्रोविजंस क्रिमिनल प्रोविजंस ऐसे हैं कंपनीज एक्ट में जिसकी वजह से बिजनेसेस या डायरेक्टर्स के ऊपर काफ़ी सारे पेनल कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो दैट इज़ अ गुड मेजर सेटबैक फॉर लॉट ऑफ बिजनेसेस। सो एक इवन दो लॉट ऑफ एफर्ट्स हैव बीन टेकन टू डीक्रिमिनलाइज बट स्टिल जो पेनल्टीज हैं जैसे 100 rupees पर डे फॉर लॉट ऑफ GST इनकम टैक्स इवन कंपनीज एक्ट में काफ़ी सारे ऐसे प्रोविजन्स हैं, सो वहाँ थोड़ा रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के साइड से होना चाहिए विच वॉज मिसिंग इन दिस बजट, दैट्स वॉट आई फील। सो मेहता साहब आपको क्या पॉइंट्स ऐसा नेगेटिव लग रहा है जो इस बजट में आपने ऑब्जर्वेशन किया? मैंने ऑब्जर्वेशन किया है और लोगों की बात भी सुनी है। नेगेटिव में ये है कि गवर्नमेंट ने हर राज्य को हर सेगमेंट को खुश नहीं रखा। जैसे फिल्म इंडस्ट्री वाले बोल रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं है, कई स्टेट वाले बोल रहे हैं कि हमारे लिए कुछ भी नहीं है करके, तो ये नेगेटिव थॉट वाले बता रहे हैं, बाकी मेरे हिसाब से कोई नेगेटिव नहीं है ही नहीं। खालिद साहब आपको क्या लग रहा है, क्या पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं जो नकारात्मक है इसमें, जो नेगेटिव है इस बजट में, नहीं होने चाहिए? मेरे हिसाब से जो MSME सेक्टर जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ उसमें ऐसे है कि बहुत सारे लोगों को टाइम पर पेमेंट आता नहीं है बड़ी यूनिट से, तो एक गवर्नमेंट एक समाधान नाम का एक पोर्टल निकाला हुआ है MSME समाधान, वो बिल्कुल इफेक्टिवली काम नहीं करता है, बिल्कुल इफेक्टिवली काम नहीं करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो प्रकरण है उसको प्रलंबित है, अभी एक एक दो दो साल जैसे होते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वैसा ही सिचुएशन MSME के बारे में, जो MSME ग्रोथ इंजीन बाकी सब सराहना की जाती है उसके हिसाब से ये जगह में थोड़ा हम लोग सुधार करना चाहिए, थोड़ा लीगल कंप्लायंस उसका और बढ़ाना चाहिए। इसमें प्रोविजन नहीं दिख रहा आपको? नहीं दिख रहा। इसी पॉइंट पे मैं आगे एक बात कहूंगी कि NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में जो आया है ओवरऑल 2017 में, उसका रिजल्ट इनिशिएट तो बहुत अच्छे से हुआ है, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से जो लिमिट 1 lakh, अगर आपका किसी से 1 lakh ड्यू आउटस्टैंडिंग है और आप फिर भी NCLT में जाके उससे आप पैसा रिकवर करवा सकते हो, तो
वो कहीं ना कहीं 1 लाख का लिमिट को 1 करोड़ कर दिया है कि अगर आपका 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग है तो ही आप उस एंटिटी को इंसॉल्वेंसी कोर्ट यानी NCLT में लेकर जा सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं MSMEs और SMEs के लिए बहुत चैलेंजिंग काम हो गया है कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उन्होंने दे हैव टेकन फॉर ग्रांटेड और छोटे छोटे जो MSMEs और SMEs हैं उनके काफी सारे पैसे रुक गए। यस। तो ये कहीं ना कहीं इसको एक इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है बजट में, तो आई थिंक दैट इज वन थिंग ऑल्सो मिसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने। सर क्या कहना चाहेंगे आप जैन साहब? देखिए मुझे इस बजट में एक सबसे बड़ी कमी जो लगी इस बार वो है कंज्यूमरिज्म को, स्पेंडिंग पावर को प्रमोट नहीं किया गया। किसी भी देश की इकोनॉमी तभी फास्ट ग्रो कर सकती है जब आप कंज्यूमर स्पेंडिंग और अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेंडिंग पावर सिटीजन्स की बढ़ाएंगे नहीं, जब तक नहीं बढ़ाएंगे। वो इस बजट में कुछ भी प्रपोजल ऐसा नहीं आया जिससे कि मेरे हाथ में आज ज़्यादा पैसा हो तो मैं ज़्यादा खर्च कर सकूँ मार्केट में जिससे कि इकोनॉमी ग्रो हो। वो एक जो चीज़ थी पूरी तरह से छूट गई। और आज के टाइम पे कोविड सिचुएशन में उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि लोगों के पास फंड्स की अवेलेबिलिटी कम है। उनके या तो ब्लॉक हो गए हैं या उनकी कमाई कम हो गई है। उस वजह से बहुत सारी चीज़ों की स्पेंडिंग पावर लोगों की कम हो गई है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत थी जिससे कि इकोनॉमी को बूस्ट मिले। दूसरी चीज़ GST का रैशनलाइजेशन जो कि ड्यू है, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ड्यू कोर्स हम करेंगे, लेकिन कब तक करेंगे इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि आज 3 साल बाद GST में ऐसे लॉज अभी भी हैं जिनको कि ब्लैक लॉज आप कह सकते हैं, जो कि ऑनेस्ट ट्रेड और इंडस्ट्री को ज़्यादा एडवर्सली अफेक्ट कर रहे हैं, उनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो बजट में एड्रेस नहीं किए गए। आखिरी सवाल की तरफ मैं जाना चाहता हूँ और अगेन मैं आपसे ही शुरू कर रहा हूँ दिव्या मैडम, क्या सुझाव आप सरकार को देना चाहेंगी कि अगर बजट में अगर कोई सुधार किया जा सकता है तो वो क्या सुधार होना चाहिए जो सभी जो स्टेक होल्डर, चाहे वो आम आदमी हो, कारोबारी हो, इंडस्ट्री वाले हो, ये सबको फायदा मिले और वाकई जो ग्रोथ जिसको बोलते हैं वो ग्रोथ हो सके देश की। ओवरऑल अगर हम कुछ इम्प्रूवमेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं रैशनलाइजेशन ऑफ द कंप्लायंस सिस्टम, लीगल सिस्टम बहुत ज़रूरी है। और उसके ऊपर अगर गवर्नमेंट मशीनरी, बिकॉज मैं कहीं कल पढ़ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट जैसे इंस्टीट्यूशन में भी काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, इवन गवर्नमेंट मशीनरीज में काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी हो सकता है, एट द सेम टाइम वो मशीनरी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है अगर राइट मैन पावर अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं वो एक चीज़ मुझे मिसिंग लगा है कि एम्प्लॉयमेंट और गवर्नमेंट मशीनरी को और स्ट्रेंथन बनाने के लिए एफर्ट्स आई हैव सीन लेस। मेहता साहब क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को आप? मैं एक ही सुझाव देना चाहता हूं कि ये पेंडेमिक हम लोगों ने देखा है तो हेल्थ सिस्टम सुधारना चाहिए। जहां गवर्नमेंट ने 65,000 करोड़ रुपीज 6 साल के लिए दिए हैं हेल्थ के लिए, यानी कम से कम हर साल 10,500 करोड़ होते हैं, तो मेरे ख्याल से वो बढ़ा के 25,000 करोड़ हर साल देना चाहिए ताकि ये हेल्थ के लिए बेनिफिट रहे। खनिलकर साहब क्या सुझाव रहेगा सरकार के लिए आपको? मैं एक ही बात गौर करूंगा कि बाहर की देशों की तुलना में हमारे टैक्स पेयर का जो रेशियो है तो केवल हम लोग 4-6% से है, जहाँ की मैंने देखा है कि कोरिया जैसे देश में 82% टैक्स पेयर से है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी नींव जैसी होती है कि गवर्नमेंट को तुरंत पैसा मिल जाता है। तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी तरकीब थी कि टैक्स वाले का दायरा और स्केल बढ़े और हमारे यहाँ टैक्स ऑनेस्ट टैक्स पेयर भी बढ़े, उनको कुछ प्रोत्साहन मिले कि नहीं मैं मुझे खुद रजिस्टर करना है और टैक्स भी देना है, तो वो कोई मैकेनिज्म कैसा मन में तैयार हो उसके कुछ विचार होना चाहिए। जैन साहब क्या कहेंगे आप? देखिए कुछ देर पहले हम लोग पेट्रोल डीजल के प्राइसेस के ऊपर बात कर रहे थे। आज हमारे देश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी तेजी से डेवलप हो रहे हैं। लोग ट्रेन के बदले आज सोचते हैं मैं अपनी गाड़ी से चला जाता हूँ, 2,000 किलोमीटर लोग अपनी गाड़ी से ट्रेवल करना पसंद करते हैं क्योंकि रोड अच्छे हो गए। इंडिया में, हमारे देश भारत में फ्यूल के प्राइजेस शायद वर्ल्ड में हाईएस्ट इंडिया में है और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है 55% टैक्स का कंपोनेंट होना। अगर आज 90 रुपये लीटर पेट्रोल है तो उसमें 55% टैक्स कंपोनेंट है जिसमें एक्साइज और वेट आता है प्लस अदर लेवीज। अगर हमारे देश में फ्यूल प्राइजेस को रिड्यूस किया गया, क्योंकि फ्यूल का कंजम्पशन बढ़ रहा है डेली
लैक्स ऑफ कार्स इंडियन रोड्स के ऊपर आती हैं, नई नई गाड़ियाँ और नई गाड़ियाँ लॉन्च हो रही हैं, तो रोड के ऊपर ड्राइविंग बढ़ती जा रही है, फ्यूल का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। अगर गवर्नमेंट इस तरह से सोचे कि फ्यूल की डिमांड बढ़ रही है, हम लोग ज़्यादा डिमांड में कमा लेंगे, लेट अस रिड्यूस दी टैक्सेशन कंपोनेंट ऑन दी फ्यूल, मैं आज आपको ये गारंटी से कह सकता हूँ कि हमारे देश को क्वांटम जंप इकोनॉमी आने में टाइम नहीं लगेगा। आज फ्यूल कॉस्ट हर चीज की कॉस्ट बढ़ाती है, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन, और हमारा बड़ा देश है, कोई 500 किलोमीटर के अंदर हमारा देश खत्म नहीं होता, हमारा देश 3,500 किलोमीटर का एक डायरेक्शन है हमारे यहाँ, और ट्रांसपोर्टेशन मैक्सिमम बियर करता है फ्यूल कॉस्ट को, जिसका कि डायरेक्ट असर कॉमन सिटीजन के ऊपर आता है। आज गवर्नमेंट को ये सोचने की जरूरत है कि ज़्यादा अर्निंग कंजम्पशन में कर लेंगे, लेट अस रिड्यूस दी टैक्सेशन। बहुत बहुत थैंक यू सर, आप सभी मेहमानों का, आपने बहुत सारे हमारे सवालों का जवाब दिया, आपने वो बताया कि जो इस आम बजट में खामियां हैं, आपने उसकी खूबियां भी बताई कि सरकार ने किन किन मुद्दों पर खास तौर पर ध्यान दिया है, और आपने सुझाव भी दिया कि सरकार किन किन मुद्दों पर विशेष तौर पर उसको और ध्यान देना चाहिए। जैसा कि आपने खुद कहा कि जितने भी प्रोविजंस किए गए हैं, जितने भी बजट एलोकेट किए गए हैं, वो बहुत ही गंभीरता से किए गए हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि उसका फायदा आम लोगों को, इंडस्ट्री और कारोबार को तभी मिलेगा जब उसको सही तरीके से लागू किया जाए, सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर ज़रूर ध्यान देगी। आज के सवाल है कार्यक्रम में बस इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए TV1 इंडिया। नमस्कार। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।